हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि बेसिक पेंसिल स्कर्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। पेंसिल स्कर्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक फिटेड स्कर्ट है। फिटेड स्कर्ट मींस ये फिटेड आपको वेस्ट से लेके जो नी लेंथ तक है वहां तक का फिटेड होता है। एंड लेंथ वाइज आप अगर देखोगे तो ये नी लेंथ, मिड काफ लेंथ और एंकल लेंथ तक भी होते हैं। जब आप पैटर्न क्राफ्ट करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ यू सी एनी पेंसिल स्कर्ट, बहुत ही मिनिमल डिजाइन होते हैं, तो सिंपल बेसिक एलिमेंट के साथ उसको ड्राफ्ट किया जाता है। पॉइंट टू इज, पेंसिल स्कर्ट में स्लिट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्लिट पैरों को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मोस्टली जो स्लिट आपका बैक साइड स्लिट होते हैं, आप कोई भी साइड में स्लिट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। पॉइंट थ्री है, यूजुअली पेंसिल स्कर्ट जो होता है उसमें बैक साइड क्लोजर होते हैं। क्लोजर में भी जिपर क्लोजर हो सकता है, बटन क्लोजर हो सकता है, तो इट्स अप टू यू आप कौन सा क्लोजर यूज कर रहे हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप पैटर्न ड्राफ्टिंग करते हैं। चलिए पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। पेंसिल स्कर्ट बनाने के लिए हमें एक बेसिक स्कर्ट पैटर्न का जरूरत पड़ेगा। बेसिक स्कर्ट पैटर्न से हम पेंसिल स्कर्ट को ड्राफ्ट करेंगे। अगर आपके पास बेसिक पैटर्न नहीं है, यू कैन चेक माय बेसिक स्कर्ट पैटर्न वीडियो। पेंसिल स्कर्ट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है, बेसिक स्कर्ट पैटर्न को आपको ट्रेस करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न ट्रेसिंग। पैटर्न को ड्राफ्ट करने के बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप स्लीट कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। यूजुअली जो स्लीट होता है वो बैक साइड में होता है, तो इन दिस ट्यूटोरियल मैंने बैक साइड में स्लीट को अप्लाई किया है। तो स्लीट का जो मेजरमेंट है वो मैंने यहाँ 6 इंच लिया है और जो विड्थ ऑफ द स्लीट 1.25 मैंने लिया है। तो स्लीट कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो नी लाइन है उसको आपको पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के बाद मेजरमेंट को अप्लाई करेंगे, विड्थ ऑफ स्लीट है वो अप्लाई करो, उसके बाद हाइट ऑफ द स्लीट हमें मार्क करना है। तो हाइट ऑफ द स्लिप मार्क करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा 1.25 इंच मेजरमेंट अप्लाई किया है, सो दैट कि जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो इट विल गो इनसाइड, वो अंदर की तरफ स्टिच हो जाएगा। तो मार्क करने के बाद जो भी पॉइंट्स है उसको आप ज्वाइन कर लो, तो आपका बैक साइड स्लिट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। नाउ फॉर द हेम सर्कमफ्रांसेस, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में मैंने नी सर्कमफ्रांसेस लिया है, बिकॉज मेरा जो स्कर्ट का लेंथ है वो अप टू नी तक है। जब भी आप मेजरमेंट करोगे नी का, तो नी को क्लोज करके मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, दोनों नी के अंदर स्लाइटली गैप रख के आप नी को मेजरमेंट करो, तो इट विल गिव लिटिल बिट ऑफ ईज ऑल्सो। नी का सर्कमफ्रांसेस लेने के बाद जितना भी नी सर्कमफ्रांसेस होगा उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, देन मेजरमेंट जो भी होगा उसको आप अप्लाई करोगे। आप बैक में सेंटर बैक से और फ्रंट में सेंटर फ्रंट से मैंने मेजरमेंट को प्लेस किया हुआ है। प्लेस द मेजरमेंट, देन मार्क द पॉइंट एंड उस पॉइंट को आप डायरेक्टली हिप पॉइंट तक आप ज्वाइन कर लो। एंड मेक श्योर कि जब भी आप ज्वाइन करोगे जो हिप पॉइंट है वो पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, स्लाइटली स्मूथ कर्व से आप उसको कर्व करोगे।